हैं, अभी ऊपर बैठे थे छोटी दी और बुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 8:30 हो गए हैं तो अभी घर से निकल रहा हूँ। मेरे को कुछ दूरी पे एक भगतोई गाड़ी आएगी, उनके साथ जाना है मेरे को हिसार। तो फिलहाल मैं रेडी हो गया हूँ और जेल में चलते हैं बिल्कुल बैक बेंचर्स की तरह, ना कॉपी ना पेन ना बैग कुछ भी नहीं, ऐसे सिंपल रेडी हो गए। मानसी यहाँ पे प्रिपेयर कर रही है ब्रेकफास्ट, जो कि मैंने किया नहीं। जेल नंबर 1 के पास पहुंच गए हैं। ये अपना नवीन भाई, ये अपने रविंद्र मुखर्जी, अनेकों उपनाम है इनके। 5 hours later नाला भी हम पहुंच गए मैयर टोल प्लाजा पे। अभी बीच में रुक के चाय पीने का भी हमारा प्लान है। ये मित्र इस बगिया बिहार से काफी अच्छे और सुलझे इंसान है। हायर कोर्ट की तारीख करके अभी मैं रोहतक पहुंच गया हूं। यहां पे पापा लेने आएंगे। पिछली तारीख पे तो हमें अलाउड था फ़ोन ले जाना, जहां पे हमारी तारीख होती है, जहां पे हम सबको इकट्ठा रखते हैं, लेकिन इस बार फ़ोन अलाउड नहीं था, तो इसलिए वहां की कोई भी वीडियो नहीं बनाई। बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी थी भक्तों ने, जेल प्रशासन ने परमिशन दे रखी है, तो वहाँ पर गर्मी थी इसलिए कूलर लगा रखे थे। खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बैठने के लिए मैट थे, नहीं तो हमें तारीख पे इतनी ज़्यादा परेशानी होती थी ना। सारा दिन पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता था, वेरिफिकेशन में इतना टाइम लगता था। लेकिन अब क्या सीन होता है कि डेट मिली उसके तुरंत बाद निकाल देते हैं। पहले हमें जेल से निकलने में ही 2-2.5 घंटे लग जाते थे, जिस टाइम पे मैं अभी रोहतक पहुँच गया हूँ इस टाइम तो हमें जेल से निकालते थे। लेकिन अब काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं और भगतों काफ़ी सहूलियत हो गई है। पापा जी भी आ गए हैं बाइक लेके, अभी निकलते हैं घर। पहुंच गए अपने घर पे। मम्मी जी हैं, बुआ आ गई हैं और एक चाची जी आई हैं। तो पूरे 1 साल बाद मैं घर पे इतने सुकून से बैठा हूँ, लेटा हूँ। ये तो जितनी छुट्टी होती थी ना, सारी छुट्टियों में वहाँ के काम करने हैं, वो काम करना, इस बार बहुत ही रिलैक्स हूँ अब तक। क्या तेरे मखा क्यों गया बजा मन को छोटे छोटे बालक के मोचे सुन के सारी रात नहीं पड़े। मेरी बुआ आई हुई है, सबसे फनी बुआ है मेरी। ये जब बातें बताती है ना तो सामने वाला हंसे बिना रह नहीं सकता। कल का दिन मैं एज ए बैचलर जो मैं सारे काम करता था ना, ऐसे रहूंगा। इवन मानसी को मेरे रूम में एंट्री भी अलाउड नहीं है कल। The next morning, और आज दिन की शुरुआत थोड़ा सा और जल्दी करने की मैं सोच रहा था, लेकिन आँख ही 6 बजे खुली तो भी थोड़ी देर यहाँ पे घूमने आ गया हूँ अपने पुराने ठिकाने पे। इस रोड पे ही बहुत सारे बच्चे मेरी तरह रनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आज था मेरा मन यहाँ पे रनिंग करने का, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। लाल अभी शाम के 6:30 हो गए हैं, अभी ऊपर बैठे थे छोटी दी और बुआ। नीचे एसी भी चल रहा है लेकिन गर्मी थी। सारा दिन व्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, फिर से आज वोमिटिंग हुई, सारा दिन सिर में दर्द था। बस जो भी आए थे थोड़ी थोड़ी देर सबसे बात की, चाचा जी, चाची, दीदी, जीजा जी, उत्तम, बाकी तो रेस्ट ही किया मैंने।
फिलहाल अभी जाऊंगा मैं अपनी दादी जी यहाँ पे देव कॉलोनी में उनसे मिलने के लिए। परसों आया था घर पे, छत पे आज आया हूँ मैं। मखई बुतला बुतला ही था बोला नमस्ते माँ अभी जी के लिए और जब वो लगता है वो डा थरा बला जा थरा तो डा हम कुछ थाम बात करो वो थरा बला जा थरा। बाकी रोड तक में कुछ प्रोग्रेस हुई है उसका मेरे को पता नहीं, लेकिन हमारे एरिया में सारे रोड अच्छे से बन गए हैं। पिछले एक डेढ़ साल से इतने खराब रोड थे ना, बुरा हाल था। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अभी शाम का मौसम पुन्ना जैसा ही हो गया है। अब टू कैसा है? भूखा मार दिया मेरा बच्चों। किकू बाय बाय करते। अब इतना अशांत सी हो रही है किकू। शांत हो रही है। हाँ बाय करते। तो अभी फिलहाल 9:15 हुए हैं। अभी जाके घर पे खाना पीना करना है। घर वालों के कई सारे फोन आ गए हैं।